जब भी हम कोई बाइक लेने की सोचते हैं, हमारे दिमाग में रहता है कि हमें ये बाइक लेनी है। लेकिन उससे पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर हम ये बाइक ले रहे तो क्या ये बाइक हमारे लिए सही रहेगी, क्या इस बाइक में 1.5 से 2 लाख रुपये लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं। इसलिए आज के शुरू में मैं आप लोगों को TVS Apache RTR 162V न्यू मॉडल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि इस बाइक में बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, जो इस बाइक को लेने की सोच रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में कि आपको ये बाइक क्या प्राइस देखने को मिल जाती है। इस बाइक में आपको नंबर ऑफ 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी और एक आपको विदाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी। टॉप मॉडल एंड बेस मॉडल में आपको सिर्फ और सिर्फ यही फ़र्क देखने को मिल जाता है। अगर बात करें प्राइस के बारे में तो 1,47,000 विदाउट ब्लूटूथ मॉडल, 1,47,000 रुपये के आसपास की हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है विदाउट ब्लूटूथ मॉडल। और अगर आप इसमें ब्लूटूथ मॉडल लेंगे तो वो आपको 1,51,000, 1,51,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है हमारे स्टेट एंड सिटी में। बाकी आप लोगों को सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, बात कर लेते हैं इस बाइक के एडवांटेज के बारे में। इस बाइक में आपको सबसे पहला जो एडवांटेज मिलेगा वो मिलेगा इस बाइक की परफॉर्मेंस। देखिए आपको बताया कि लास्ट टाइम TVS Apache RTR 162V में आप लोगों को 15.54 के आसपास की PS पावर मिलती थी, लेकिन अब TVS वालों ने इस बाइक में 0.50 की जो पावर है वो बढ़ा दी गई है। बाइक की पावर हो गई अराउंड 16.04 के आसपास की, जिस वजह से बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगी। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे कि 0.50 पावर बढ़ाने से बाइक का पावर क्या ही बढ़ जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इस बाइक का 2 kg जो वेट है वो कम कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 2 किलो जो वज़न है वो भी इस बाइक का कम कर दिया गया, जिसकी वजह से बाइक की परफॉर्मेंस में आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बाइक का बॉडी टू वेट रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से TVS Apache RTR 162V की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको थोड़ा इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, इंडियन मार्केट में 160 सेगमेंट में ये बाइक बहुत ही ज़्यादा बेटर है और बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद भी है। ऑलरेडी ये बाइक इंडियन मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन अपडेट होने के बाद ये बाइक मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगी है। बाकी आप लोगों को इस बाइक की परफॉर्मेंस कैसी लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है इस बाइक का फीचर्स प्लस स्पीडोमीटर। देखिए आपको बताए कि हमारे यहाँ बाइक्स को लेकर अभी कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, हर एक ब्रांड अपनी बाइक्स में काफ़ी अच्छी अच्छी अपडेट ला रहा है, करेक्ट। लेकिन यार आपको बताना चाहूँगा TVS Apache RTR 162V एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको जितने फीचर्स मिलते हैं इंडियन मार्केट में, मैं चैलेंज कर लेता हूँ कि किसी और बाइक में आपको इतने फीचर्स नहीं मिल सकते। ये इम्पॉसिबल चीज़ है। इवन ऐसी बहुत सारी 200cc बाइक है जिसमें आप लोगों को इतने सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी इसमें जो अपडेट दिया गया स्पीडोमीटर में, इसमें अब आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जो कि लास्ट टाइम TVS Apache RTR 164V में यूज़ किया गया था। इस बाइक का पहले वाला जो एनालॉग भी डिजिटल मीटर था भाई, लुकिंग वाइज ना वो भी काफ़ी अच्छा लगता था। और ये भी स्पीडोमीटर जो है आपको काफ़ी अच्छा इसमें दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसमें फीचर्स में आप लोगों को सबसे अच्छी चीज़ राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाती है। जी हाँ, रेन, अर्बन, स्पोर्ट, नंबर ऑफ 3 मोड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। और स्पीडोमीटर में आपको सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, बट एक फीचर मिसिंग हुआ है, गियर इंडिकेटर, जो मुझे लगता है यहाँ पे ऐड कर देना था इस बाइक में TVS वालों को। तो फीचर्स के मामले में भी ये बाइक आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती है। इस बाइक की जो नेक्स्ट एडवांटेज है वह इस बाइक का लुक। देखिए जब भी हम कोई स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं, जब हम किसी शोरूम में एंटर होते हैं कि हमें कोई चीज़ खरीदनी है, सबसे पहले हम उसका लुक देखते हैं कि भैया ये दिखता कैसा है या दिखती कैसी है। मिंटू से आप लोग समझ रहे हो बाकी मेरी बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस बाइक का लुक देखते हैं। लुकिंग अगर आप देखेंगे तो TVS Apache RTR 162V भाई शुरू से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोग नई Apache RTR 164V को पसंद नहीं करते बट इस बाइक को पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बाइक से हमारी इमोशंस भी है। स्पोर्ट्स सेगमेंट में भाई RTR एक ऐसी बाइक है जो कि काफ़ी दिनों से लोगों को
पसंद है। और अब दोस्तों इस बाइक में जो लाइट्स आ गई है, प्लस इस बाइक का जो नया ग्राफिक्स आ गया है, नया पैनल ऐड कर दिया गया है, उस वजह से इस बाइक का जो लुक है ना वो थोड़ा सा और बेटर हो गया एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वन। तो मेरे हिसाब से इस बाइक का जो लुक है ये भी आपको काफ़ी अच्छा जो एडवांटेज है इस बाइक में मिल जाता है। इस बाइक का जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है इस बाइक की इलेक्ट्रिकल्स। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि इस बाइक में आपको फ्रंट लाइट फुली एलईडी में देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम तक इस बाइक में हेलोजन लाइट आती थी, बट अब आपको इसमें फुली एलईडी सेटअप में लाइट देखने को मिल रही है। इसका दो एडवांटेज है, लाइट की विजिबिलिटी तो इससे बढ़ी जाएगी, लेकिन इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है इस बाइक का लुक। इस लाइट की वजह से इस बाइक के लुक में ना जान आ गई है, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना, लोगों को इतनी ज़्यादा ये पसंद आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। और मुझे भी पर्सनली बताऊँ तो ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है इस बाइक की लाइट की वजह से। इस बाइक में आपको फुली एलईडी सेटअप में लाइट देखने को मिला है, प्लस इस बाइक की जो टेल लाइट है वो भी आपको एलईडी देखने को मिली, और नई टेल लाइट का डिजाइन भी यहाँ पे यूज किया गया है, जिस वजह से बाइक का जो रियर पोस्चर है वो भी आपको काफी बेहतरीन और काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इस बाइक का जो नेक्स्ट एडवांटेज है वह इस बाइक की कंफर्ट। अब देखिए इंडियन मार्केट में बाइक्स बहुत सारी है, अब हमारे दिमाग में ऐसा रहा था कि भाई हम इस बाइक को लेते हैं, अगर हम इसको 100 से 200 किलोमीटर कंटिन्यू चलाएंगे तो हमें कैसा मतलब फेस करना पड़ेगा, बैक पेन या शोल्डर पेन होगा। आरटीआर 160 2V में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि इस बाइक का जो पोस्चर है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, आप इस बाइक को काफ़ी कंफर्टेबल राइड कर सकते हो, इसमें आपका कोई भी इशू नहीं आएगा। बाकी भाई आप लोग का जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो आप लोग शेयर कर सकते हैं, बाकी ये बाइक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस बाइक का जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। देखिए आपको पता है कि इस बाइक में सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आता है, हालांकि ये डिसएडवांटेज भी आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी इस बाइक की जो ब्रेकिंग है ना आपको ऐसा फील नहीं कराएगी कि आप एक अनसेफ बाइक चला रहे हो। अगर आपको किसी बाइक पर कॉन्फिडेंस आ रहा है चलाने में तो वो बाइक काफ़ी ज़्यादा सेफ होती है। और मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि ये बाइक की जो ब्रेकिंग है ना काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, सेफ बाइक है, आप बहुत ही अच्छे से इस बाइक को राइड कर सकते हो। इस बाइक का जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए आजकल हमारे दिमाग में सबसे पहले एक बात रहती है जब भी हम स्पोर्ट बाइक लेते हैं, तो भाई ये सोचते हैं कि अगर हम इस बाइक को खरीद तो लेंगे लेकिन भैया मेंटेनेंस कराने में हमें इसमें कितना खर्च करना पड़ेगा, यह दिमाग बात हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। देखिए आपको बता दूँ आरटीआर 160 जो आपको बताइए टीवीएस हमारा इंडियन ब्रांड है भाई, हमारे इंडिया में बनी हुई गाड़ी है, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बाइक का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना वो काफ़ी लो है, आपको मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ज़्यादा इसमें फेस नहीं करना पड़ेगा, ये मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बोल सकता हूँ। इस बाइक का जो नेक्स्ट एडवांटेज है वह इस बाइक की माइलेज। अब आपको बताएं कि हमारे यहाँ भैया पेट्रोल का प्राइस कहाँ तक पहुँच चुका है, जिस हिसाब से आज की डेट में पेट्रोल का प्राइस है उस हिसाब से स्पोर्ट्स बाइक लेना बहुत बड़ी बात है और उसको पालना बहुत बड़ी बात है। कि आपको बता दूँ दोस्तों ये जो बाइक है ना भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और बहुत ही बेहतर आपको ये बाइक देखने को मिल जाती है, और इस बाइक की जो माइलेज आपको अराउंड 42-45 के आसपास की जो माइलेज है ये बाइक आपको निकाल कर दे देती है। और मेरे हिसाब से दोस्तों इस सेगमेंट में भी ये बाइक आपको काफ़ी बेहतर इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल कर दे देती है। बात कर ले इस बाइक के नेक्स्ट एंड लास्ट एडवांटेज के बारे में तो है दोस्तों वैल्यू फॉर मनी। अब वैल्यू फॉर मनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए आपको पता है कि इंडियन मार्केट में भाई कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम इस बाइक में पैसे लगा रहे हैं तो क्या हमारे लिए सही है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपके लिए बाइक 110% सही है। अगर आप ये बाइक ले रहे हो तो ये आप जो भी आप पैसे लगाते हो 1.5 लाख रुपये ये आपके लिए वर्थ है। तो ये तो दोस्तों नई TVS Apache RTR 160 2V का कंप्लीट एडवांटेज। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के डिसएडवांटेज के बारे में। देखिए डिसएडवांटेज बताने से पहले क्लियर कर दूं भाई, डिपेंड करता है कि आपके लिए डिसएडवांटेज है या नहीं है, क्योंकि हर किसी की जो सोचने की थिंकिंग होती है वो अलग होती है। मेरे हिसाब से TVS वालों ने यहाँ पे अभी भी इस बाइक में एक कमी रख दी कि इस बाइक को सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में उतारे हैं। मुझे लगता है कि इस बाइक में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम रहता तो ये बाइक ज़्यादा बेटर हो सकती थी और N160 को ये बाइक बिट कर देती। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कलर। सर आप बोलेंगे भाई स्पीडोमीटर तो इतना बेहतरीन दिया, ना ना ना, स्पीडोमीटर का जो लाइट है ना बैक लाइट वो येल्लो वाला वो ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या आप लोग को भी नहीं आया? उसमें ना TVS वालों को व्हाइट लाइट देनी थी, शायद वो ब्लूटूथ या टॉप मॉडल वाली में शायद वो व्हाइट लाइट मिले, बाकी वो बाइक जब आएगी तो उसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। बाकी दोस्तों यही मेरे जो डिसएडवांटेज लगा इस बाइक में, बाकी अगर आप लोग को लगता है मैं गलत हूँ तो आप बता सकते हैं, सही हूँ तो मैं बता सकते हैं। सुमित करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।